हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पोथोस या मनी प्लांट के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरे कुछ मनी प्लांट रखे हुए हैं यहाँ पर। तो आपको मैं इसके बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, पहले आप देखिए, ये मेरा ये मनी प्लांट ये 2-3 साल पुराना है और इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी प्यारी है और कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ हो रखी है। और इसका पॉट देखिए आप कितना छोटा है। ये इसी तरह है कि ये सिरेमिक पॉट में लगाया हुआ है मनी प्लांट, ये देखिए। और एक ये हैंगिंग बास्केट बनाई है इसकी, और भी कई जगह लगाया है, मैं लगाती रहती हूँ। और ये तो बहुत ही क्यूट है, देखिए ये पोर्टल को कट करके मैंने, और कितना छोटा सा स्पेस है इसमें मैंने लगाया हुआ है। और ये बहुत ही प्यारा रहता है, और मैं इसको नीचे पोर्च में रखती हूँ, ये इंडोर में रखती हूँ इसको मैं, पर वहाँ पे ब्राइट लाइट आती है। ये तीनों पॉट मेरे वहाँ रखे रहते हैं, और ये वाला मेरा टेरेस पे ही रखा रहता है, और टेरेस में, लेकिन ये नेट के नीचे रहता है मेरा ये। तो फ्रेंड्स, इसको हम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें गर्मी में इसका ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम इसको डायरेक्ट सन में नहीं रख सकते हम, नहीं तो इसकी पत्तियां जो है बर्न हो जाती हैं। और बाकी रेनी सीजन में या विंटर में आप इसको रख सकते हैं। कुछ कुछ पत्तियां देखिए, ये मेरा टेरेस पे ऐसे ही रखा रहता है तो ख़राब हो गई है। और इसको हम कई तरीके से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम पानी में भी बॉटल में ग्रो कर सकते हैं, और सॉइल में तो करते ही हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। मैं आपको बताऊंगी इसको सही तरीके से लगाने का तरीका क्या है कटिंग से, जिससे ये बहुत ही अच्छा घना लगता है। और आप इसको इस तरीके से यदि मॉस स्टिक में चढ़ाते हैं, जैसे ये मैंने बनाई हुई है फ्रेंड्स, इस पॉट में मैंने पहले छोटी सी यहाँ तक इसकी मॉस स्टिक थी, और फिर ये काफ़ी इसकी ग्रोथ हो गई। तो मैंने सोचा कि इसको अभी रिपोर्ट मुझे नहीं करना था, तो एक मॉस स्टिक मैंने एक्स्ट्रा बनाई, देखी कितनी लंबी है ये, और फिर मैंने उसी के ऊपर इसको जॉइंट कर दिया। तो यदि हम मॉस स्टिक में इसको लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी, हमें बुसी सा घना सा प्लांट लगता है। और आप इसकी ऐसी बेल भी चढ़ा सकते हैं, कई तरीके से इसको आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ इसकी कटिंग से आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग में यहाँ से एक इसकी ब्रांच कट कर लेती हूँ। ये मदर प्लांट है मेरा मनी प्लांट का, तो यहाँ से मैं एक इसकी कटिंग ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, मनी प्लांट को घना करने का एक सीक्रेट होता है जो सभी लोगों को नहीं पता होता है, पहले मुझे भी नहीं पता था। तो कहीं से भी हम लेकर आते हैं मनी प्लांट और उसको बस ऐसे लगा देते हैं, तो वो उतने अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो क्या होती है, ये जगह जगह से इसकी ये एरियल रूट्स होती हैं। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये नोड एरिया है इसका, ये जितने भी नोड एरिया है यहाँ से इसकी रूट्स निकलती हैं। तो हमें इस तरीके से लगाना होता है तो हमारे मनी प्लांट जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुसी हो जाता है और घना इस तरीके से लगता है। देखिए आप इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है ये, और ये सब इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है कटिंग से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये यहाँ से कट करेंगे, जहाँ जहाँ से इसका ये नोड एरिया है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये जो इसकी एक्स्ट्रा डंडी है इसको हम काट के अलग कर देंगे, बस हमें इसका ये जो नोड एरिया है जहाँ से इसकी ये रूट्स निकलेगी ये हमें रखना है, और इसको हमें अलग कर देना है, इसको अलग कर देना है। ये देखिए, ये हमारे पास इतनी सारी कटिंग हो गई, और एक दो कटिंग और ले लूँगी मैं, कहाँ से लूँ मैं,
इसी में से ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने ये पीवीसी पाइप का ये प्लांटर बनाया हुआ है, तो इसमें मैं ये कटिंग ग्रो करने वाली हूँ। इसमें गार्डन सॉइल और गोबर की खाद और इसमें थोड़ा कोकोपीट और नीचे थोड़ा सा ड्राई लीव्स मैंने रखी हुई है, इतनी चीज़ इसमें मैंने मिक्स की हुई है। तो आप हैंगिंग बास्केट में बनाए तो इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं हैंग करना हो तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो इसकी एरियल ये रूट्स वाला एरिया है, ये इसको हम सॉइल के अंदर दबाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप लगाएंगे फ्रेंड्स मनी प्लांट, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही घना पॉट तैयार हो जाता है। और आप इसको वैसे बड़े गमले में लगाना चाहें तो बड़े गमले में भी आप इस तरीके से चारों तरफ इसकी कटिंग लगा दीजिए और फिर आप इसको मॉस स्टिक में भी चढ़ा सकते हैं और आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। और यदि आपको इसको किसी बॉटल में ग्रो करना है और घने तरीके से रखना है तो आप इस तरीके से इसकी जो इतनी सारी कटिंग्स हैं ऐसे ले लीजिए और इसको आप ऐसे पानी में ऐसे डाल दीजिए, आप इसका एक ऐसा बंच सा बना के, तो इस तरीके से हम इसको वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत दिन से मेरा प्लांटर ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मुझे इसमें लगाना था, मैं सोच रही थी क्या लगाऊं। मैं इसमें एक और बनाया मैंने, उसमें तो मैंने मॉस रोज लगा दिया है, मैंने सोचा इसमें मैं मनी प्लांट लगाती हूँ, इसको अपने पोच में अंदर टांगूंगी इस तरीके से। देखिए इसमें ये ऐड कर दीजिए, तो फ्रेंड्स देखिए आप इस तरीके से मनी प्लांट की कटिंग लगाइए और ज़रूरी सक्सेस होगी और बहुत ही अच्छा ये फिर घना पॉट बने के आपका तैयार हो जाएगा। और इसको आप शेड एरिया में रखिए, धूप में बिल्कुल भी ना रखें कटिंग लगाने के बाद। और इसमें बस कुछ खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप इसमें रोज़ अच्छे स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे करने से इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, रोज़ इसमें स्प्रे ज़रूर करिए आप, ख़ासतौर पे गर्मी में तो बहुत अच्छी रहती हैं। और इसमें आप जो भी इसके ग्रोइंग पीरियड जब भी रहता है, वैसे तो ये समर में स्प्रिंग सीजन के बाद बहुत अच्छा ग्रो करता है, पर तब आप इसको आप फर्टिलाइज़र कुछ भी जो हम सारे प्लांट को देते हैं वो आप दे सकते हैं, और कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ये देखिए आप देख पा रहे हैं मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी, मैं इसमें कुछ भी नहीं देती हूँ, बस मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ। जब भी पॉट की मिट्टी सूख जाती तो मैं इसमें इसकी सॉइल में पानी देती हूँ और इसकी पत्तियों को मैं रोज़ इसी तरीके से एक आध बार इसको अच्छे से नहला देती हूँ। और बस मेरा मनी प्लांट देख सकते हैं आप, मनी प्लांट कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स ये था ये मेरा वीडियो मनी प्लांट के बारे में, कटिंग लगा रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूं। आई होप आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।